मैं उड़ीसा में रहता हूँ एंड ये घटना मेरी बहन के साथ हुई। जब एक दिन वो स्कूल से घर ना लौटी तो मॉम डैड को लगा कि शायद वो अपने दोस्तों के घर होगी, मगर जब आधी रात हुई और उसके दोस्तों ने भी मना किया कि वो उनके साथ नहीं है तो सबको टेंशन होने लगी और हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो कहीं नहीं मिली। अब 3 महीने बीत गए और हम भी हार मान गए थे कि अचानक एक दिन मैंने अपनी बहन को बस स्टॉप पर देखा। वो मुझे देखते ही रोने लगी तो मैं उसे घर ले आया, तब वहाँ मॉम डैड भी बहन को देखकर खुशी के आंसू रोने लगे। फिर हमने उससे पूछा कि वो इतने दिन कहाँ थी, तब उसने बताया कि उसे किडनैप कर लिया गया था और वो जंगल के पार एक कैबिनेट में अपने किडनैपर को मारकर भाग निकली। फिर जब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची तो शॉक हो गई क्योंकि उस कैबिनेट में किडनैपर की बजाय मेरी बहन की लाश थी और जो घर पर मेरी बहन बनकर आई थी उसने हमें सब कुछ उल्टा बताया और मेरी तो आज तक ये समझ नहीं आया कि वो क्या चीज थी जिसने हमें मेरी बहन का पता दिया।